हेलो दोस्तों, तो आज का प्री क्यों शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आपकी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेस सेटअप फंड प्रोग्राम। पेस सेटअप फंड प्रोग्राम जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था इंडिया और यूएसए ने मिलके इन 2015। ये एक जॉइंट फंड था, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। ये जो है ऑफ द ग्रिड क्लीन एनर्जी, राइट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लीन एनर्जी, रादर टू बी वेरी प्रिसाइज, इनोवेटिव क्लीन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में है, राइट, कि जितने भी इनोवेटिव ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस होंगे, राइट, उनको ये फंड करेगा, राइट, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, राइट, जो नए नए आज सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनको फंड करेगा, ताकि जो क्लीन एनर्जी बिजनेस है ये डेवलप करे, राइट, डेवलप करने के साथ साथ और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को टेस्ट करे, राइट, उन इनोवेटिव्स को प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जो बिजनेस मॉडल और सिस्टम्स हैं उन पर भी काम किया जाए, राइट, सिंपल है। तो कहीं ना कहीं इनोवेटिव ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये पूरा फंड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, राइट। रिसेंटली इसको इंडिया में ग्रांट भी मिली है, राइट, कौन सी, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एसोसिएटेड है ये, ठीक है जी। चलो अगली न्यूज़ देखते हैं, हैशटैग फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। हैशटैग फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जो है ये एक मूवमेंट है जो कि स्वीडन में शुरू हुई थी 2018 में। बेसिक एजेंडा क्या था कि क्लाइमेट क्राइसिस पे बहुत ही ज़्यादा कम एक्शन हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में जो लैक ऑफ एक्शन है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट स्वीडन में शुरू हुआ था। आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं ग्रेटा थनबर्ग, राइट, अगर आपने इनकी यूट्यूब वीडियोज़ नहीं देखे तो देखिए, काफ़ी यंग हैं और क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं, उन्होंने ये शुरू किया था, राइट। इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और है हैशटैग क्लाइमेट स्ट्राइक, राइट, ये भी एक ग्लोबल इवेंट था, राइट, ये ऐसा एरा चाहते हैं, ये ऐसा इसलिए ये इवेंट शुरू हुआ था कि ऐसा एरा जिसमें कि फॉसिल फ्यूल्स है, राइट, उसको एंड किया जाए, राइट, और क्लाइमेट को भी आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है कि फॉसिल फ्यूल्स को कम करके और क्लाइमेट के साथ जस्टिस किया जाए, कहीं ना कहीं आप रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाइए, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बढ़ाइए, कुछ इस तरह की बात हो रही है, ठीक है। चलो अगला है आपका वेस्ट बैंक, ठीक है, ये थोड़ा मैप के रेफरेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि वेस्ट बैंक कौन सा रीजन है, राइट, कौन से सी से एसोसिएट होता है। तो आप देखोगे बिल्कुल डेड सी इसको टच कर रहा है, राइट, एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ इसराइल है। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा रहता है तो इनकी जो बेसिक ज्योग्राफी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो वेस्ट बैंक बेसिकली एक लैंडलॉक टेरिटरी है, राइट, और जिसका जो बेसिक आसपास की कंट्रीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा भी आ सकता है कि क्या वेस्ट बैंक का कोई हिस्सा मेडिटेरेनियन सी में निकलता है। तो ये छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपको सारी ऐसी जगह जो कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं उससे एसोसिएट होनी चाहिए। अगर आपको पूछ ले ओस्लो अकॉर्ड्स किससे एसोसिएटेड है तो भी आपको पता होना चाहिए कि उसी रीजन से एसोसिएटेड है, राइट। ओस्लो अकॉर्ड्स के अनुसार ये बात हुई थी कि वेस्ट बैंक और जो गाज़ा स्ट्रिप है इसको सिंगल टेरिटोरियल यूनिट माना जाएगा। तो कभी कभी ना ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री की चीज़ें हैं, नॉट एग्जैक्टली वर्ल्ड हिस्ट्री में वेरी प्रिसाइज, बट जो इंपॉर्टेंट जगह है न्यूज़ में रहती हैं उनसे एसोसिएटेड हिस्टोरिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पुषा यशस्वी। पुषा यशस्वी क्या है, एक न्यू वैरायटी ऑफ वीट है, राइट, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है। इसका लोकल नेम ये है, राइट, सो ऐसा भी आपको नाम दे देते हैं कि रिसेंटली HD3226 वर्सेस न्यूज़ इट इज़ एसोसिएटेड विद। तो आपको पता होना चाहिए कि एक नई तरह की वीट वैरायटी है जो कि IRI ने रिलीज की है, राइट। अब इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात पोटेंशियल यील्ड जो है बहुत ही ज़्यादा है, राइट, दूसरा इसमें बहुत ही हाई कॉन्टेंट है जिंक, प्रोटीन और ग्लूटेन का, राइट। नेक्स्ट एक और चीज़ क्या है, ये हाईली रेजिस्टेंट है अगेंस्ट सर्टन फंजाई, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, विच गिव्स यू अनदर टर्म, कि ये कंप्लायंट है कॉन्जर्वेशन एग्रीकल्चर के। कॉन्जर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, तो ना दो टर्म्स होती हैं, एक होती है कॉन्जर्वेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, एक होता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो आई विल टेल यू अबाउट कॉन्जर्वेशन, क्लाइमेट स्मार्ट, अपने इन पे पढ़ोगे। कॉन्जर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, ऐसा सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम, राइट, ऐसा एग्रीकल्चरल सिस्टम जो कि सस्टेनेबल हो, राइट, एंड उसमें ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो जहाँ पे जो भी क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है वो उस जगह की लोकल कंडीशंस के हिसाब से की जाए, राइट। तो कॉन्जर्वेशन एग्रीकल्चर क्या हुआ, ऐसा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऐसा एग्रीकल्चर जिसको इस तरह सस्टेनेबल बनाया जाए कि किसी भी क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है वो उस जगह की लोकल कंडीशंस के हिसाब से पूरी की जाए,
ठीक है, दिस इज कॉन्जर्वेशन एग्रीकल्चर, देन देर समथिंग कॉल्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, वो अपने पे पढ़ोगे, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स. नेमिंग ऑफ साइक्लोन, सबसे पहले तो याद रखना, हम जो नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स पढ़ते हैं ये हम स्पेसिफिकली बे ऑफ बंगाल, अरेबियन, जो इंडियन ओशन वाले रीजन है उनका पढ़ते हैं. एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स टेक प्लेस अराउंड द वर्ल्ड, और कई बच्चों ने क्या किया था, सिर्फ इंडियन ओशन वाले रीजन का लिख लिया था. नहीं, ये टॉपिक उससे भी ज़्यादा बड़ा है, आप चाहो तो इसको विकीपीडिया पे पढ़ सकते हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स कैसे होता है. ठीक है, हमें मिस नॉर्मल क्या होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वही साइक्लोन्स की बात होती है. नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इज वेल जो कि विकीपीडिया पे अवेलेबल है. तो इफ़ यू गूगल लाइक नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड विकी, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी. फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन ओशन. सो फॉर साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है, जो नेमिंग सिस्टम है राइट, वो 2004 में उसकी शुरुआत हुई थी. राइट, अगेन 2000 में बेसिस, सबसे पहले 2000 में ओमान में एक मीटिंग हुई जहां पे इन प्रिंसिपल अग्री किया गया कि हम नेम्स असाइन करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो भी आएंगे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को. ठीक है, 2000 में ये बात इन प्रिंसिपल डिस्कस हुई और 2004 में सबसे पहले ये चीज़ शुरू हुई. राइट, यहाँ पे जितनी भी 8 कंट्रीज़ है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है, इन्होंने मिल के 64 नेम्स की एक लिस्ट बनाई. अपना ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि कौन सी कंट्रीज़ इन दोनों जगहों पे, तो जैसे आप एशियान से इसको कंपेयर कर लो, क्या एशियान की कोई कंट्री है इसमें, राइट, क्या इसमें कोई सार्क की कंट्रीज़ हैं, राइट, ऐसा भी आ सकता है विच ऑफ दी सार्क कंट्रीज़ आर दी मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप. तो इसलिए ना कहीं कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. अपने इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूजली हम मिस कर जाते हैं कि अगर पब्लिक चाहती है कि वो उनका भी कोई ऐसा नाम दे जो साइक्लोन की लिस्ट में अवेलेबल हो, राइट, क्या वो भी अगर कोई नेम प्रपोज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बट कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जो कि पूरा होना चाहिए. ठीक है, पर अभी तक ऐसा कोई नाम आया नहीं है, पर येस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसा वहाँ पर क्लॉज है. ठीक है, तो ये लिस्ट ऑलरेडी दी जा चुकी है वहाँ पर एंड स्टिल वी आर यूजिंग ऑल दीज नेम्स. ठीक है, तो सबसे पहला का नाम ओनल था, इवेंचुअली वी हैव बीन यूजिंग डिफरेंट नेम्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. क्या है ये? बेसिकली एक ऐसा डेटाबेस है आपकी आइडेंटिटी के लिए, जितनी भी पॉपुलेशन है आपकी कंट्री की उनकी कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी का डेटाबेस बनाया जा रहा है. राइट, जो कौन मेंटेन करेगा? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो इसमें देखो, ये तो सिंपल है कि कौन कि किस तरह का डेटाबेस है ना, पॉपुलेशन से एसोसिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस है, पर कौन मेंटेन कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो बेसिक एजेंडा क्या है, जो कि आजकल सभी इस तरह के कार्ड्स का होता है कि कहीं ना कहीं जो बेनिफिट्स और सर्विसेज हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की, वो कहीं ना कहीं जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें दी जाए. ठीक है, एक क्वाड कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, आपको बताना चाहिए कौन सी 4 कंट्रीज इससे एसोसिएटेड है. US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, इनको मिला के क्वाड कंट्रीज़ कहा जाता है. राइट, इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नेत्रा. नेत्रा का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस. राइट, तो स्पेस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जा रहा है. राइट, किस तरह की स्पेस ऑब्जेक्ट? बेसिकली मान लो कि कोई स्पेस डेब्री है ना, जो चीज़ें बच जाती हैं. राइट, तो जो डेब्री है स्पेस का, राइट, हमारी तरफ कोई स्पेस डेब्री आ रहा है, इसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है. जो स्पेस डेब्री है उसको ट्रैक किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट नेत्रा जो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको इन रादर बिफोर हैंड ही बता देगा कि आपको किसी स्पेस डेब्री से क्या नुकसान हो सकता है, क्या ये आपकी तरफ आ रहा है, और इससे रिलेटेड और भी एसोसिएटेड डेटा. तो बेसिकली एजेंडा क्या है कि प्रिडिक्ट किया जाए थ्रेट, कि अगर कोई भी डेब्री से थ्रेट हो सकता है टू द इंडियन सैटेलाइट्स, इसको ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया जाए और उसके हिसाब से सोल्यूशन निकाला जाए. इसको ना SSA बोलते हैं. SSA होता है सिचुएशनल अवेयरनेस, कि उस सिचुएशन पे उस डेब्री का आप पे क्या असर होगा, आपकी सैटेलाइट्स पे, उसको किस तरह से आपको सही करना है, इसके बारे में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात शुरू हो चुकी है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप. ठीक है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में सबसे पहली चीज़ तो जस्ट चेकआउट, क्या इंडिया इसका मेंबर है? राइट, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, राइट, जो फ्रेम करता है और इम्प्लीमेंट करता है रूल्स,
राइट फॉर एक्सपोर्टिंग न्यूक्लियर इक्विपमेंट. तो क्या कर रहा है, एक तो फ्रेम कर और इम्प्लीमेंट कर रहा है रूल्स फॉर एक्सपोर्टिंग न्यूक्लियर इक्विपमेंट, सो दैट कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके कि न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ तक होने चाहिए. कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1974 में जब पोखरान वन हुआ था, इसके बैकग्राउंड पर इट वॉज इस्टेब्लिश. तो बेसिक एजेंडा क्या है कि कहीं ना कहीं पीसफुल न्यूक्लियर ट्रेड की बात की जाए. ठीक है, मेंबरशिप कितनी है, 48 सप्लायर स्टेट्स हैं. ठीक है, आप अपने एंड पे चेक कर सकते हो क्या इंडिया इसका. अब बात करते हैं इंडिया वाटर वीक 2019. तो इंडिया वाटर वीक बेसिकली एक फोरम है जहाँ पे वाटर क्राइसिस से एसोसिएटेड व्यूज़, ओपिनियन और सॉल्यूशंस को शेयर किया जाता है. किस तरह के लोग उसको शेयर करेंगे, राइट, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपर्ट्स हैं वाटर क्राइसिस से एसोसिएटेड. ठीक है, इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड होगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से. इंपॉर्टेंट क्या होता है इन सभी वीक्स में, जो इंपॉर्टेंट वीक्स हैं इनकी आपको थीम भी पता हो तो बेटर है. तो इस साल की थीम क्या थी, वाटर कोऑपरेशन कोपिंग विद 21st सेंचुरी चैलेंज. तो इसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, राइट. आज की लास्ट न्यूज़ है गांधी सोलर पार्क एट यूएन हेडक्वार्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पे पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट की है 50 किलोवाट गांधी सोलर पार्क एट दी हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, तो कभी कभी वन वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं इनसे या फिर वन लाइनर्स कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किसी एसोसिएटेड है. ठीक है, तो वो भी यू विल बी इजिली एबल टू डू. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वील सी यू इन प्रीमैक्स रात में 10 बजे. ओके दोस्तों, बाय बाय.